जहां बॉलीवुड के कई सितारे अपना जन्मदिन अपने दोस्तों और परिवार के साथ पार्टी मनाते हैं, वहीं अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस बार अपना जन्मदिन साधारण तरीके से मनाने का फैसला लिया। जी हां, 1 नवंबर को यह खास दिन था। इस खास दिन पर ऐश अपनी माँ और बेटी आराध्या के साथ मिलकर सिद्धि विनायक मंदिर बप्पा के दर्शन करने पहुंची। सफेद रंग के सूट पहने ऐश्वर्या हमेशा की तरह काफी खूबसूरत लग रही थी। वहीं आराध्या भी सफेद फ्रॉक पहने अपनी माँ का हाथ पकड़े नजर आई। खबरों के अनुसार ऐश ने इस बार अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ मनाया। फिल्मों की बात करें तो ऐश्वर्या हमें राजकुमार राव और अनिल कपूर के साथ आगामी फिल्म फतेह खान में दिखेंगी। आनेस्ट रिपोर्ट।